आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के खेलने के लिए जगह ही नहीं है तथा बच्चे घर तक ही सीमित रह गए हैं। एक तो और दूसरा, कोरोना ने सभी को डरा दिया है। कोरोना से बचने के लिए घर पर ही लोग मनोरंजन करते हुए नजर आते हैं। बच्चे अधिकतर मोबाइल गेम में भी व्यस्त रहते हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी ध्यान नहीं रखते। आजकल के इस माहौल में मोबाइल से बच्चों को काफी नुकसान भी है, ऐसा कहा जाता है। बच्चों को मोबाइल गेम बहुत ही प्यारे हैं, यहाँ तक कि मोबाइल गेम के चक्कर में आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं। इस सिलसिले में हमारे संवाददाता आकाश सिंह ने दो बच्चों से बात की और बच्चों से जानना चाहा कि गेम के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रस्तुत है बातचीत का कुछ अंश। आपने आपने अपने भाई पर रहम नहीं किया? नहीं। क्यों? नहीं, आपके लिए गेम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आज हुआ फ्री फायर को लेके भाई भाई में लड़ाई, आपस में भिड़ गए, गुत्था मुत्थी हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। चलिए जानते हैं इन दोनों बच्चों से। आइए बताइए, आपने अपने भाई क्यों भाई को क्यों मारा? अरे उसने पहले कहा कि भैया छोड़ दो, अब नहीं लड़ेंगे, तो मैंने कहा चलो छोड़ दिया। तो वो दोबारा आए, उसने नॉक कर दिया, हमने कहा अब तुम भी एक बार छोड़ो। तो जब उसने छोड़ दिया तो उसने कहा चलो अब लड़ते हैं। जब लड़ाई चालू हुई तो मैंने इसको नॉक कर दिया, तो इसने मेरी लात दे मारी दीवार में। तो आपने गेम को लेके अपनी सीरियसनेस क्यों दिखाई है? उसने सीरियसनेस दिखाई, उसने टांगे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने नहीं मारा था। तो किसने मारा था? इसने। कौन से गेम में? फ्री फायर में। कैसे मारा था? चाटा मारा था। आपने फिर क्या किया? मैंने भी मारा। आपने क्यों मारा? क्योंकि इसने मारा। आपने आपने अपने भाई पर रहम नहीं किया? नहीं। क्यों? नहीं, आपके लिए गेम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए तो ये क्या है? क्या है? मेरे हिसाब से तो ये कमर होनी चाहिए। अरे कमर तो हमारे हिसाब से भी है, निकलो तुम। कमाले यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बहुत दर्द हो रहा है भाई, एक क्वार्टर मिल जाता तो साला किडनी निकाल लिया है बे। आर आइन भारत हेतु आकाश सिंह, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश।